नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका वन इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पवन तिवारी। काउंटी मुकाबले में खेल रहे भारत के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने ससेक्स की तरफ से डेब्यू किया और डर्बीशायर के खिलाफ उन्होंने 2 शतक जड़ दिया। आपको बता दें कि दूसरी पारी में फॉलो ऑन पर मजबूर हो चुकी उनकी टीम के लिए चेतेश्वर पुजारा अच्छी पारी खेल करके मैच ड्रॉ कराने में सफल रहे। चेतेश्वर पुजारा ने 387 गेंदों का सामना करते हुए 201 रन नाबाद बनाए। आपको बता दें कि पहली पारी में चेतेश्वर पुजारा केवल 6 रन बनाकर आउट हो गए थे। अब चेतेश्वर पुजारा का इसको लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि मैंने ससेक्स के लिए डेब्यू मैच का आनंद लिया, मैंने इसका फ़ायदा उठाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि मैं योगदान देकर के बेहद खुश हूं और साथ ही साथ मेरा फोकस अगले मैच पर है। उन्होंने कहा है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की लंबे समय के बाद वापसी हुई है और अब मैं इसी को एंजॉय करना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि जब हमारी टीम फॉल ऑन पर मजबूर हो गई थी और साथ ही साथ मैं खुद जब 6 रन पर आउट हुआ तब मैं निराश था, क्योंकि मैं हमेशा से ही अच्छी पारी खेलने की कोशिश करता हूं। मुझे अच्छी शुरुआत मिले तो मैं बड़ी पारी में तब्दील करने का पूरा प्रयास करता हूं। मैंने अपनी पूरी टीम से यही कहा था कि हमें अगली पारी में दूसरी पारी में अच्छा योगदान देना है और बेहतर देना है, अपना सर्वश्रेष्ठ देना है, और हम यह करने में कामयाब रहे। मुझे खुशी है कि हमने मैच ड्रॉ करवाया और अब हमारा टारगेट अगला मैच है। आपको बता दें कि चेतेश्वर पुजारा की टीम यानी कि ससेक्स अपना अगला मैच 21 से 24 अप्रैल के बीच वॉरकेस्टशायर के खिलाफ खेलेगी और ऐसे में चेतेश्वर पुजारा से उस मैच में भी एक बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी। आपको बता दें कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के बाद चेतेश्वर पुजारा काउंटी क्रिकेट में डबल सेंचुरी लगाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी बने हैं। बहरहाल, आप क्या कुछ सोचते हैं उनकी पारी के बारे में, उनके बयान के बारे में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वन इंडिया को ज़रूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।